किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली, बल्कि मैं आज आपके साथ बहुत बड़ी ऐसी खुशी शेयर करने वाली हूँ। जब भी कोई खुशी होती है तो हम अपने लोगों के साथ वो खुशी शेयर करते हैं, तो मैं भी आप सभी फ्रेंड्स के साथ मेरी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे बताने में बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और ये मोनेटाइजेशन जो हुआ है वो सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो मैं बहुत दिल से आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ और सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था 24 अक्टूबर 2019 में। स्टार्टिंग में कुछ महीनों तक मैं वीडियो डालते गई, लगभग 3 महीने तक मैंने अच्छे से वीडियो डाले। स्टार्टिंग में मैं मराठी में वीडियो बनाती थी, पर व्यूअर्स की ख्वाहिश से मैंने हिंदी में वीडियो स्टार्ट करने शुरू किए। फिर कुछ दिन मैं वीडियो कंटिन्यू डालती गई, पर क्या हुआ कि चैनल न्यू था और सब्सक्राइबर भी बहुत कम थे, तो बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे थे, तो मैं थोड़ा मायूस हो गई थी। फिर कुछ दिन मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। फिर लॉकडाउन शुरू हुआ और टाइम फ्री मिला, तो मैंने फिर से ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसी पीरियड में जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया रहता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, तो ही हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए हम भेज सकते हैं। तो अगस्त मंथ में ही मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो गए। पर मैंने कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखे थे, तो उसमें मैंने देखा था कि इस पीरियड में, मतलब लॉकडाउन और कोविड पीरियड में, चैनल मोनेटाइजेशन होना बहुत ही मुश्किल है। अगर चैनल मोनेटाइजेशन हो भी जाता है तो उस पर ऐड नहीं लगेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैंने कुछ टाइम मोनेटाइजेशन की प्रोसेस को लेट कर दिया, पर एक कोविड पीरियड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैंने सोचा चलो अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, रिव्यू के लिए भेज देते हैं। 2 घंटे में ही मेरा गूगल एडसन ओपन हो गया और 2 दिन के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। सिर्फ 36 घंटों में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया फ्रेंड्स, और इस पीरियड में भी बहुत ही कम समय में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो फ्रेंड्स, आप भी बिल्कुल मायूस ना हो कि इस पीरियड में चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। चैनल मोनेटाइज होने के लिए कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ पीरियड रहता है, पर सिर्फ 36 घंटों में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है फ्रेंड्स। और ये जो भी पॉसिबल हुआ है ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। तो फिर से मैं आप लोग सभी का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि अगर आपका एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम आपके चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप भी मोनेटाइजेशन के लिए चैनल भेज दीजिए। अभी भी इसी कोविड पीरियड में भी बहुत ही कम टाइम में चैनल मोनेटाइजेशन हो रहा है, पहले भी कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ में चैनल मोनेटाइजेशन होता था, आज भी उसी पीरियड में चैनल मोनेटाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। पर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है, अगर आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो उसके लिए पहले आपको अपने सभी वीडियोस में चेक कर लेना है कि आपने टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन में सही वर्ड्स यूज़ किए हो। अगर कोई गलत चीज़ें आपने अपने वीडियोस में डाली है तो आपको डिलीट कर देनी है। कोई हैकिंग वाला वीडियो अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने चैनल से हटा देना है। अगर कोई गलत चीज़ें रही तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। मोनेटाइजेशन इनेबल होने के लिए आपको सिर्फ एक कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कोई हैकिंग वाली वीडियोज़ अगर हो तो आपको डिलीट कर देनी है, और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट टाइटल में कोई गलत वर्ड्स आपको नहीं यूज़ करने हैं। अगर
बातें क्लियर हैं तो आपका चैनल बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डर था कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद एड्स कम लगेंगे, पर कोई चिंता की बात नहीं, सही से वीडियो में ऐड लग रहे हैं और बहुत ही इजीली ऐसे मेरा चैनल मोनेटाइजेशन की प्रोसेस 2 दिन में कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, चिंता की कोई बात नहीं, अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो आप जल्दी से मोनेटाइजेशन के लिए आपका चैनल भेज सकते हैं। पहले जितना टाइम लगता था 2 दिन या फिर 1 मंथ के पीरियड में ही चैनल मोनेटाइजेशन होता था, तो अभी भी वैसे ही क्राइटेरिया है और उसी स्पीड से चैनल मोनेटाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। फ्रेंड्स, मैं यही बात आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हो और आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, अपना काम आप करते रहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा यही इंटेंशन है कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हो और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं। अगर कोई वीडियो आपका वायरल हो जाता है तो बहुत कम समय में ही आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, थोड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी, पर कोई बात नहीं, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है और चैनल मोनेटाइजेशन की प्रोसेस भी हो गई है, तो मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स, बिना टेंशन लिए आप अपना काम करते रहिए, वीडियो बनाते रहिए। जब भी आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है आप जल्दी से मोनेटाइजेशन के लिए वीडियो भेज सकते हैं। जैसे पहले 2 दिन या फिर 1 मंथ के पीरियड में चैनल मोनेटाइजेशन की प्रोसेस होती थी, उसी प्रकार अभी भी इस कोविड पीरियड में भी उसी टाइम में चैनल मोनेटाइज हो रहा है। फ्रेंड्स, यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो कुछ अगर इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई बातें आपको पूछनी हो तो कमेंट्स करके आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में। जो आपका सपोर्ट और प्यार मुझे मिला है, वैसे ही सपोर्ट और प्यार मुझे आगे भी चाहिए। मुझे बहुत सारा काम आगे भी करते रहना है, ये तो अभी शुरुआत है, तो आपका साथ और प्यार ऐसे ही देते रहिए। फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।